स्टूडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 7 5G डिवाइस की। सारा काफी ज्यादा वेट कर रहे थे कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का ऑप्शन कब तक प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिन्होंने कस्टर्न का बीटा वर्ड को इंस्टॉल किया हुआ था उनको यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। तो उन्हें यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के ऑफिशियल अपडेट के साथ में सॉल्व तो किए जाएंगे, बट इस अपडेट को कब तक रोल आउट किया जाएगा और जिन यूज का डिवाइस एंड्रॉइड 12 अपडेट पर रन कर रहा है उनको भी एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल कब तक देखने को मिलेगा, तो ओप्पो की ओर से ऑफिशियली कंफर्मेशन कर दिया गया है कि यहाँ पर दिसंबर मंथ का रोड मैप आ गया है उसमें आपके डिवाइस का नेम किस डेट को मेंशन किया गया है और आपको अपडेट किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सारे को डिटेल शेयर करूंगा, वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो रेनो 7 5G डिवाइस के एंड्रॉइड 13 ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करना है। अगर आपका डिवाइस कलर सर्टिन बीटा पर रन कर रहा है तो उस पर बेस्ड आपको जो भी सिक्योरिटी पेच अपडेट या फिर नॉर्मल अपडेट देखने को मिला है पहले आपको उसे अपडेट कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 12 अपडेट पर रन कर रहा है तो आपके डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी पेच अपडेट न्यू देखने को मिल रहा है उसे आपको अपडेट करके रखना होगा, तभी आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल अपडेट शो होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कलर सर्टिन बीटा यूजर्स को बहुत सारे अपने डिवाइस में प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, जैसे हीटिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, लैगिंग इशूज, यहाँ पर और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आपको बहुत जल्द आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ओप्पो की ओर से जो दिसंबर मंथ का रोड मैप आया है उसमें आपके डिवाइस का नेम देखने को मिल गया है। ओप्पो रेनो 7 5G डिवाइस में इंडिया के अंदर एंड्रॉइड 13 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ पर 15 दिसंबर को रोल आउट किया जाएगा। बड़े अगर मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी इस अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको फिर इसके लिए एक्टिव रहना होगा, क्योंकि एक्टिव रहोगे और हमारे चैनल से आप जुड़ जाओगे तो जहाँ पर जब भी अपडेट को रोल आउट किया जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इस छोटी छोटी में यही था, अगर इच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अधिक न्यूज़ के लिए मैं टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूँ तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।